चैनल सुंदरम मिक्स आप देख रहे हैं। पर्यावरण में प्रदूषण भाग टू, खाद्य प्रदूषण। खाद्य प्रदूषण के संबंध में मित्रगण, आज सबसे बड़ा प्रदूषण हो गया है। वेद ने वैज्ञानिकों के दृष्टि में ध्यान में रखते हुए कहा है कि जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं मनुष्य के खाने के लिए, वह अपने पाचन शक्ति से यथा विधि खाएं और पचाएं और शारीरिक बल प्राप्त करें और स्वयं स्वस्थ रहें। जो कुछ खाएं सात्विक और शुद्ध भोजन खाएं, रस भरे अन्न साग सब्जी आदि खाएं, धीरे धीरे खाएं, पूर्ण रूप से चबा कर खाएं। जैसे समुद्र में यथाविधि अपने सब जलों को पी जाता है, उसी तरह अपने पाचन शक्ति के अनुसार जो शुद्ध और सात्विक खान पान है उसे अपने पाचन शक्ति से पचाएं। कृत्रिम पचाने वाला औषधि का प्रयोग न करें। वेद हमारा यह बात कहता है, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान में खान पान अभक्ष हो गया है। जो खाने लायक चीज नहीं है उसे मानव जीव को मारकर खाता है। कितना बड़ा प्रदूषण! यह प्रदूषण किसी औषधि से भी नहीं हट पाएगा जब तक विचार नहीं बदल पाएगा। जीव जंतु को मारकर खाना यह बहुत बड़ा प्रदूषण है। जो पाचन शक्ति पचाने में असमर्थ हो जाता है और वह भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बन जाता है। आज खाद्य पदार्थ में शाकाहार में आता है बहुत से चीज़ें आता है जो शुद्ध और सात्विक नहीं होता है, जैसे नशा संबंधी। उसके बाद में खाद्य में भी शाकाहार में जैसे लहसुन है, प्याज है, मसूर दाल है, गाजर है, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि तामसी हैं। उससे भी हमारे शरीर में मनोवृत्ति में बदलाव आ जाता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा भी कहा जाता है। और खाद्य पदार्थ में वर्तमान में जो कुछ भी उपजाया जा रहा है, जो कुछ भी उत्पादन किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में, उसमें भी आज वर्तमान में कृत्रिम खाद देकर उपजाया जा रहा है। वह अनेकों प्रकार के
मैकेनिकल चीज़ डालकर बनाया जाता है वो भी अन्न पर प्रभाव डालता है। अन्न के बचाव के लिए, पौधे को बचाव के लिए, फसल के बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के दवा का यानी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर अन्न का प्रभाव पड़ता है, फसल पर प्रभाव होता है, जिससे वही हम लोग उपभोग करते हैं, जिससे शरीर स्वास्थ्य के दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा है। अतः इन खाद्य पदार्थों से जितना हम बच सके बचने का उपाय अवश्य करें, और यह ध्यान रखें कि जो भी कुछ खाना खाया जाए शुद्ध और सात्विक खाया जाए, जिससे कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, आत्मबल बलवान रहे, शारीरिक शक्ति बना रहे। अब इतना ही वीडियो, आगे भाग 3 में फिर हम प्रदूषण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय भारत माता।